लोग ये व्हाट्सएप ट्रिक जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आइए जानते हैं। आज हम आपको एक नए व्हाट्सएप ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कन्वर्जन बहुत ही आसान हो जाएगा, वो भी बिना टाइप किए। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, मुझे लगता है कि ये चीज़ आप लोगों को जाननी चाहिए और मुझे ऐसा उम्मीद है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर जो होते हैं ये बात जानते भी होंगे। फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और आप खुद भी इसको सीखें, ट्राई करें और अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों में भी लोगों को बताएं, ताकि जो होता है इसका फुल एडवांटेज जो होता है लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे, आप देख सकते हो यहाँ से मैंने व्हाट्सएप ऑन कर लिया और आप जिससे भी चैट करते हैं वो ऑप्शन खोल के यहाँ पे चैट सेक्शन में आ जाए। और चैट सेक्शन में आने के बाद आप देख सकते हो जो हम लोग सिंपली पहले पुराने तरीके से जो टाइप करते थे उस तरीके से एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि हमें कितना समय लगता था पुराने तरीके से टाइप करने में। हेलो आई एम कमिंग, वो भी हिंदी में, इंग्लिश में लिख रखा हूँ। हिंदी में लिखने के लिए मुझे ऐसे तो सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं हिंदी तो लिखता नहीं, पर मेरे पास इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है तो मैं वही अप्लाई करूँगा क्योंकि हिंदी लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो चलिए आइए, मैं जो बताने वाला था आइए उस पर चलते हैं। तो आप इस सेक्शन पर आइए और ये जो तीन डॉट आपको दिख रहे हैं इस पर क्लिक करिए, इस पर फिर ट्रांसलेट वाले सेक्शन पर आ जाइए, इस आइकन पर क्लिक करिए। अब आप देख रहे हो कि ये ट्रांसलेशन मोड बता रहा है कि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो, मतलब कि आपका इनपुट क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी। अगर आपका इनपुट इंग्लिश है और वो टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हो हिंदी में तो ये सिलेक्शन प्रॉपर है, पर आप चाहते हो कि आपका इनपुट जो होता है हिंदी में हो और आउटपुट इंग्लिश आए तो फिर आप इस तरह का करो। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको दिखाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो मेरा इनपुट इंग्लिश में होगा और आउटपुट आपको हिंदी में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि एक ऑडियो वाला आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ ना कुछ बोलना होगा, जो भी बोलूँगा मैं वो टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं क्लिक करने के बाद कोई टेक्स्ट बोलूँगा, ठीक है, तो आप देख लेना। हेलो टुडे आई एम नॉट कमिंग, देख रहे हो मैंने बोला हेलो टुडे आई एम नॉट कमिंग, तो यहाँ पे भी हिंदी में लिखा गया हेलो आज मैं नहीं आ रहा हूँ, वो भी इतनी प्रेसाइज। चलो एक चीज़ और ट्राई करता हूँ, फिर से यहीं पे क्लिक करूँगा। यू आर नॉट सो मच इम्प्रेसिव और हैंडसम, देखो मैंने क्या बोला, यू आर नॉट सो मच इम्प्रेसिव और हैंडसम। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है, आप इतने प्रभावशाली या सुंदर नहीं हैं। तो आप इस तरीके से जो भी टेक्स्ट बोलना चाहते हो, जिस भी तरीके से बोलना चाहते हो, ये ऑटोमेटिक आपके लैंग्वेज को वन मोड टू अनदर मोड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ट्रिक आपको जान के कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप कुछ सीखे हो तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को इस ट्रिक को शेयर करें और उन्हें भी इस चीज़ के बारे में बताएं, ताकि वो भी थोड़ा सा स्मार्ट बन सकें और थोड़ा सा अपना टाइम सेव कर सकें। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पूरे वीडियो में साथ बने रहने के लिए। बस तो आज के लिए इतना ही।